जगाधरी बुढ़िया चुंगी के पास रह रहे मजदूरों में खाने को लेकर झगड़ा हो गया। इसी दौरान झगड़े में उसके मौसा ने अपने भांजे को ईंट मार दी, जिसे अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने इस मामले पर धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। शराब पीकर आपसी लड़ाई झगड़े में मौसा ने अपने भांजे को ईंट मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और परिजनों के बयान के आधार पर केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। मृतक की पहचान शत्रुघ्न निवासी बुढ़िया चुंगी के रूप में हुई है। सारे जैसे कि रोटी खा रहे थे, ये लोग आपस में होने लगा, कहता मैं खाऊंगा कि मैं खाऊंगा। वो बुढ़े ने उसको पकड़ लिया, एक थप्पड़ मार दिया उसको, तो फिर वो भी हाथापाई हो गया, हमने छुड़ा दिया। फिर वो कुछ पाँच फुट का फैसला में दूरी में वो लड़का खड़ा हो गया, फिर लड़ाई छूट गया। 5 फुट का खड़ा होके वो बुढ़े ने बस वहीं पे चूल्हे पे बैठा था, ईंट था, बस ईंट उठा के उसको मार दिया छाती पे। अच्छा, हाँ सर, खाने को लेकर हुआ? हाँ सर, खाने को लेकर झगड़ा हुआ सर। धर्मपुरु भी पी हुई थी? हाँ सर, दोनों को पी रखे, दोनों ने शराब पी हुई थी। हाँ सर, तो शराब पीने के बाद ही झगड़ा हुआ? हाँ सर, हाँ सर। रात बुढ़िया गेट चौकी में सूचना मिली थी कि बुढ़िया रोड पे IPS स्कूल है, इंडियन पब्लिक स्कूल, वहाँ पे दो भाइयों में आपसी लड़ाई है परिवार में। जैसे वहाँ मौके पे गए, वहाँ पे पता लगा कि ऐसे ऐसे करके इनमें से एक भैया को चोट लगी है, उसको एम्बुलेंस में लेके गए। तो यहाँ सिविल हॉस्पिटल में पहुँचे, यहाँ पे डॉक्टर साहब ने उसको चेक करके मृत घोषित कर दिया। शत्रुघ्न है इसका नाम। सर कहाँ का रहने वाला? ये है बिहार के, हैं जी, एक ही गाँव के, रामनगर गाँव पड़ता है इनका। दोनों का जो मारने वाला है इंदेश्वरी नाम का है, और इसका मौसा लगता है सगा मृतक का। एक ही उसमें कमरे में रहते हैं 5-6 लोग। तो इनका रोटी खाने पीछा झगड़ा हो गया थोड़ा, तो वहाँ पे अपना इसने जो मौका है इसका, उसने ये उठा के मारा। काफी मैं भैया थी उसके बाद यहाँ पे। यमुनानगर से सुमित ओबरॉय की रिपोर्ट।